तो भाई अपनी स्पिति राइड स्टार्ट हो गई है मनाली से। ये जीरो तो कर दूँ, जीरो नहीं करा मैंने, तो टोटल हो रहा है 12,389 किलोमीटर्स हो गए हैं। क्योंकि मेरा मीटर काम नहीं करता इसलिए मुझे बार बार ओडो देखना पड़ता है सोलो। थोड़ा डर लग रहा है लेकिन ठीक है, कभी कभी ऐसी चीज़ें भी एक्सपीरियंस करनी चाहिए सोलो। अब भी अपना निकलेगा मॉल रोड, मॉल रोड से लेंगे ले वाला रोड, ले मनाली हाईवे, वहाँ से अटल टनल, अटल टनल से फिर आएगा अपना दो रास्ते, एक लेफ्ट राइट, अपन को राइट जाना है स्पीति के लिए, लेफ्ट के लिए ले। तो ये अपना आ गया नया ब्रिज, यहाँ से नज़ारे देखो, ये है ब्रिज, ये है रिवर और उधर बादल और बर्फ़ वाले पहाड़ और थोड़े ग्रीनरी वाले पहाड़। अभी राइड कर रहे हुए 1 किलोमीटर नहीं हुआ है कि ऐसे नज़ारे दिखना चालू हो गए हैं। अरे अरे, फ्लैग के बीच में से वो बर्फ़ वाला पहाड़ एक अलग ही लगता है। नज़ारे भाई एक नंबर है, चाहे कुछ बोलो। तो अपनी जो अरे 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 जो धूप पड़ रही है ना वो पहाड़ पे, क्या लग रहा है। चलो 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 चलो। तो अपनी जर्नी 5:45 को स्टार्ट हुई थी, वैसे करना सुबह 4 या 5 बजे था, 5 बजे वाला, 4 बजे उठने का सोचा था और 15-20 मिनट तो चलता है इतना। तो सीधी धूप पड़ रही है, सीधी धूप उन पहाड़ों पे, वाह। इन रोडों पे ज़्यादा इधर उधर देख नहीं सकते हैं, सीधी एकदम कड़क धूप पड़ रही है, कड़क। और मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 हफ्ते से बारिश हो रही है, आज ही इतना सुबह अच्छा मौसम है, इधर डेली बारिश हो रही है, डेली बारिश हो रही है। पलचन ब्रिज, तो अपना प्लान ये है कि अभी अटल टनल क्रॉस करेंगे उसके बाद रुकेंगे। वंस अगेन वेलकम टू द अटल टनल, रोहतांग 10,040 फीट अल्टीट्यूड पर है। अरे अरे, इसको जाने दो, थोड़ा अच्छा व्यू आएगा। ये व्यू देखो और ये व्यू, क्या बात है, क्या बात है। वंस अगेन वेलकम टू अटल टनल। यहाँ पे बाइक का साउंड एक अलग ही रहता है और थोड़ा ये गीला भी होता है, तो ध्यान से चलाइए, ये बात मैंने पहले भी बोली है और अभी भी बोल रहा हूँ। ओवर स्पीडिंग मत करिए, यहाँ पर रेसिंग मत करिए। अटल टनल निकलने के बाद एक अलग ही चमक रहती है यहाँ पर। तो राइट लेफ्ट जाएंगे तो ले है, ले जाना नहीं है, अपन को जाना है काजा, वो की है जो है 144, उसके लिए राइट जाना होगा। काजा 144। यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, यहाँ कितना लिखा है, यहाँ भी 144 लिखा है, सही है सही है। चाय मिल जाएगा? हाँ भाई, तो अटल टनल क्रॉस कर लिया है, यहाँ से काजा है 144 और ये मेरा पहला, मतलब यहाँ साइड पहला ट्रिप बोल सकते हो इतना बड़ा सोलो, वो भी स्पीति, वो भी मनाली साइड से। थोड़ा डर लग रहा है, कोई बात नहीं, ये अपनी बाइक है, ये अपनी बाइक का सेटअप है, ये टैंक बैग, यहाँ पे शूज़ रखे और नीचे अपना सामान है। तो
तो पहने ये वाले शूज से, लेकिन ये बारिश हो रही है इतने दिनों से तो सूखे नहीं है, अभी फ़िलहाल ये वाले पहनो। ये मैंने गम्बूट से लिए थे, और हाँ अच्छी बात यह है कि मनाली में मतलब दो हफ्ते से बारिश हो रही थी, तो आज बारिश नहीं हुई, थोड़ी धूप निकली हुई तो थोड़ा अच्छा है, बाकी सब बढ़िया है। यहाँ के नज़ारे देखो, नज़ारे देखो। मैंने ये ग्लोव्स लिया है, इधर ही से लिया है, यहाँ पर चाय पी थी क्योंकि इसमें ठंड ज़्यादा लग रही है। 35 किलोमीटर्स हो गए हैं और 646 हो रहा है, तो चलो अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। ओ यहाँ पे फूड ट्रक भी आ गए, पहले नहीं था, कोई बात नहीं, मे भी तब हम आए होंगे तब नहीं थे। तो ये ऊपर मैं पहली बार जा रहा हूँ, जैसे मैं किलोंग साइड गया हूँ तो इधर साइड मैं कभी आया नहीं हूँ। आते ही सा जस्ट अभी हम लोग स्टार्ट करें और वाटर क्रॉसिंग आ गई। अभी राइड चालू हुई है और वाटर क्रॉसिंग भी आ गई, छोटा सा ऐसे पानी का पैच था वो। ये तो पूरा लैंडस्लाइड वाला एरिया है, मतलब कितना कैमरा ऑन करूँगा मैं यार, कितना समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये नज़ारे मैंने कभी देखे नहीं है। तो मेरे लिए तो ऐसा है कि कैमरा ऑन कर लो भाई, ये कैप्चर कर लो। ये देख के कितना खतरनाक लग रहा है। अरे काफी ज्यादा काटा गया है पहाड़ों को। तो यहाँ एक चेक पोस्ट है, सिर्फ अपनी एंट्री करानी पड़ती है, बस नाम पूछा कहाँ से हो, गाड़ी कहाँ की है, बस पूरा ग्रीन। भाई ये नज़ारे देख लो, उसके बाद ये मिलने नहीं वाला है, अभी पूरा ग्रीन है, थोड़ी देर में पूरा बंजर रहेगा। इतनी अच्छी रोड है, उतनी ही खराब, मतलब रोड ही नहीं रहेगी, यहाँ तो रोड है। नज़ारे भाई एकदम बार, तो यहाँ से लेना है लेफ्ट, काजा 139, बातल 49, और ये ग्रम्फू चालू हो गया। और धूप भी आ गई, अरे अरे ये रोड पे ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर चलाना है, कैसे। कैसे चलाऊंगा भाई, और मैं अभी ऐसे बोल रहा हूँ, ये तो फिर भी अच्छा है। ये स्लश वाले में हमेशा प्रॉब्लम होती है। तो
भाई अपना पहला वाटर क्रॉसिंग, और उधर से ट्रक आते हुए थोड़ा साइड हो जाओ। अपना पहला छोटा सा वाटर क्रॉसिंग। चलो कोई एक बाइक वाला तो दिखा। बिलियन के साथ था, बिलियन के साथ जाना मतलब भाई इस रोड पे मेरे तो अभी हाथ दर्द करने लगे। ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, लेकिन हालत खराब होने वाला है। ओ इजी था ये। अरे अरे कहाँ तक जा रहा है पानी। कार का सही है यार, एकदम निकल गई आराम से। अभी 4x4 थी। खच्चर घोड़े, खच्चर ये डर लगता है, थोड़ा मार मार दिए नीचे गिरेंगे यहाँ से। ये ला तो अपनी बाइक उधर खड़ी है। अभी टाइम हो रहा है 7:45 और यहाँ के नज़ारे ऐसे हैं। अभी एक वाटर क्रॉसिंग आया था, बहुत हालत खराब हो गया था, उसमें कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन बहुत हालत ख़राब हो गया था यार सब। और एक जगह आके क्या हुआ कि सामने कार आ गई तो मुझे रोकना पड़ा, और रोका तो बस उधर फंस गई, फिर थोड़ा आगे पीछे करके निकाला। जहाँ पे भी खाने के लिए मिले खा लो इस रोड पे। जगह का नाम भी शायद डोरनी होगा, इस वजह से यहाँ का डोरनी कहते हैं। यहाँ पे खा लो, उसके बाद आगे फिर जहाँ मिलेगा उधर खा लेंगे। उसका स्ट्रॉ गिर गया।